Hello guys, good afternoon everybody. So today we will discuss the most important sections related to your NCERT 12th standard and as per the NEET point of view. तो देखिए आज हम लोग देखेंगे कि एक genetics related, relevant to the genetics, बहुत ही important जो section है वो है biotechnology का. इसका एक special unit है, that is the 9th unit, this is the BT unit, and this unit is belongs to your 12th NCERT. So this BT unit include the two chapters, chapter number 11 and chapter number 12. So this chapter 12, that is the biotechnology and its application is there. And this one is the biotechnology principles and processes. Biotechnology principles and processes. So today we will discuss about the this BT related biotechnology principles and processes. Principles and processes. So see here. ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आईसीएसई बोर्ड वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, मराठी और सेमी वाले, और अलग अलग बोर्ड के जो अक्रॉस द इंडिया बच्चे हैं, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. एंड इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंसर्न है कहाँ से, अपना जेनेटिक सेक्शन जो है वहाँ से. Whenever the student do not know what is meant by gene, ये जो जीन है, अगर student को जीन किसको बोलते हैं यही मालूम है नहीं, तो ये यहाँ पर understanding नहीं कर सकता. He or she does not got anything here under this biotechnology title about these principles and processes or the applications. तो इसीलिए आपका जो कि genetics related section है, जैसे कि molecular basis of inheritance है, then the principles and the that is the मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, तो ये सब सेक्शन आपको मालूम होना चाहिए. देखिए जीन के बारे में, जीन का जो डेफिनेशन रहता है वो तीन टाइप का डेफिनेशन रहता है, यू मस्ट हैव टू नो दैट. एक डेफिनेशन है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड, दूसरा सिस्ट्रॉन रिलेटेड है, तीसरा प्रोमोटर और रेगुलेटरी सिक्वेंस उससे रिलेटेड है. तो वो सब तीनों टाइप का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए वेन एवर यू वॉन्ट टू नो द इन डिटेल्स अबाउट दिस BT. तो देखिए यहाँ पे ये जो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में पहले से भी बायोटेक्नोलॉजी सब ह्यूमन बींग को पता है पहले से भी. हाउ? बिकॉज द ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी वॉज देयर. ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी वॉज देयर, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, अपने जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे हमारे, वो मिल से कर्ड बनाते थे, और दूसरा वो इडली बनाना, डोसा बनाना, ये सब जो है वो दैट इज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस, एंड दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी. तो ये पहले से ही था, बाद में उसको ही हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो यू कॉल फॉर दैट और रेफर फॉर दैट एज ए क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ द क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी. तो इसका जिक्र हुआ है इनिशियली. पहले तो ये पहले आपको ये पता होना चाहिए, डिफरेंट वे से जीन मालूम होना चाहिए. इसके बाद में आपको बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन बताने की यहाँ कोशिश की, लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन बताई उस आप तुम्हारे एनसीईआरटी में वो लोगों ने, वो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेफिनेशन है, लेकिन बहुत सिंपल टाइप का डेफिनेशन है, एक साइंटिफिक डेफिनेशन भी है, वो यहाँ पे बता नहीं दिया. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द और नैरेट बिफोर ऑफ यू पीपल द सिलेबस रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. दैट थिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस बिफोर ऑफ यू और गोइंग टू एड्रेस बिफोर ऑफ यू पीपल वेन एवर आई एक्सप्लेन इलुसिडेट द एंटायर चैप्टर एट दैट टाइम एज पर द पैराग्राफ टू पैराग्राफ एवरीथिंग विल बी एलुसिडेटेड बिफोर ऑफ यू. तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो चैप्टर है इसका जो कोर एस्पेक्ट इसका मतलब है इसमें इस चैप्टर में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक्स है, मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक्स, तो आपका जो इंट्रोडक्टरी रीजन है वो साइंटिफिक डेफिनेशन यहाँ नहीं है रिकॉर्ड पर, वो मालूम होने के बाद जो टू एस्पेक्ट्स है इससे रिलेटेड, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टू एस्पेक्ट्स, कोर एस्पेक्ट्स,
वन एस्पेक्ट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अनदर एस्पेक्ट इज द बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है. जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. सो हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग डिफर्स फ्रॉम द बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड हाउ दे सिंक्रोनाइज यू ट्राई टू नो दैट दे ट्राई टू टेल दैट थिंग्स फॉर अस इन दैट रीजन. इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर में वो ये है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ बायोटेक्नोलॉजी का. बिकॉज पहले से तो ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, ये क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन आज प्रेजेंट डे को जो बायोटेक्नोलॉजी है हमारे सामने दैट इज़ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ द फील्ड ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. एंड दिस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग. एंड दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग हाउ ओरिजिनेटेड दैट यू मस्ट हैव टू नो, ही और सी नीड टू बी नो दैट प्राइमरीली फॉर द नोइंग इन डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर. तो कोई भी लड़का हो लड़की हो आप लोगों को ये पहले पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का. वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हुआ. जेनेटिक इंजीनियरिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो ओरिजिन हुआ इसके लिए जो भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये दो साइंटिस्ट का है. एक है हर्बर्ट बोयर और दूसरे साइंटिस्ट है स्टैनले कोहेन. ये दोनों लोगों ने जो दो बैक्टीरियल स्पीसीज सेलेक्ट करके जो एक्सपेरिमेंट बनाए तो वो लोगों ने साल्मोनेला टाइपिमुरियम और दूसरा ये इचेरिया चाकुली ये दो बैक्टीरिया लेके जो रिसर्च किया और उस रिसर्च से ये इस्टेब्लिशमेंट हो गई. कौन सी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, एक काइमेरा डीएनए टेक्नोलॉजी की. और दिस काइमेरा डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स दिस इज द बेसिस फॉर द ट्रिगरिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द बेसिस टू ट्रिगर द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो दिस इज द सिक्वेंस. सो हाउ दिस डिस्कवरी कम्स टू द आईज ऑफ देम, सो द बेसिक फंड आर रिलेटेड टू दैट इज दैट दिस पीपल ट्रेस आउट फर्स्ट द साइंटिफिक कम्युनिटी रिमेन्स सक्सेसफुल टू ट्रेस आउट द टू एंजाइम्स, द टू एंजाइम्स एंड दिस टू एंजाइम्स हाउ दे ट्रेस आउट वेन एवर सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंडिकेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वायरस ऑफ द वायरस. So this virus means already you people know that this is the fuzz. So this is the inactive entity outside the host and this fuzz is also known as virus. Whenever suppose for example this is the indication of the bacterial cell, this is the indication of bacterial cell, already you people know that this bacterial cell possesses or having the nucleoid, this is the main DNA of this cell and nearby of this few number or many in number the extra chromosomal matter is lodged in the form of plasmids, in the form of plasmids. So see here, whenever this fuzz infect the this bacterial cell, at that time this bacterial cell exhibit the resistance against the attack of these viruses. It means this bacterial cell remains successful to restrict for the these fuzzes to destroy the bacterial cell. So this restriction that comes out from this cell and for because of that the scientific community trace out the defense mechanism of this bacterial cell. That defense mechanism, it means one enzyme responsible for the addition of methyl group and one enzyme is responsible for the cutting of DNA, cutting of the DNA. So how the DNA molecule cleaved, how DNA molecule cut off by that enzymes, so that type of enzyme they trace out first and this is the milestone in the origin of the genetic engineering. This proved as a milestone in the origin of the genetic engineering and because of that this biotechnology evolved. So this is the basic funda, this is the basic story related to the defense mechanism exhibited by this bacteria against the viruses. You must have to know all the details in regard of this. Each of us, each student need to be know, he or she whenever know these type of the things, then only it is possible for to resolve the tough and adverse type of questioning whenever they arrange concerned with this. तो देखिए इस हिसाब से क्या हो गया बाद में, इसके सहारे इस टाइप का रिसर्च जो हो गया उससे ओरिजिन हो गया कौन सा, कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी सक्सेसफुल रह गई कि वो लोगों ने एक हाइब्रिड डीएनए जो है, तो हाइब्रिड डीएनए जो है वो कंस्ट्रक्ट किया. तो देखिए इसमें जो अभी मेन आर्टिकल आते, जो मेन टॉपिक्स आते इसमें, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए. दिस आरडीएनए कंस्ट्रक्शन, दिस आरडीएनए इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड डीएनए. यू कैन से द हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, और यू कैन से दिस इज द
काइमेरा डीएनए, दिस इज द काइमेरा डीएनए. सो हाउ दिस काइमेरा डीएनए कंस्ट्रक्टेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी, दैट इज द बेसिक फंडा, दैट इज द बेसिक फंडा रिलेटेड टू दिस चैप्टर, रिलेटेड टू दिस चैप्टर. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस द साइंटिफिक कम्युनिटी रिमेन सक्सेसफुल टू अरेंज द जीन ट्रांसफर, टू अरेंज द जीन ट्रांसफर, टू अरेंज द जीन ट्रांसफर. इट मीन्स फॉर द जीन ट्रांसफर दे यूटिलाइज द डिफरेंट व्हीकल डीएनएस, व्हीकल डीएनएस. इट मीन्स द साइंटिफिक कम्युनिटी रिमेन सक्सेसफुल टू डेवलप द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स. सो द मेन टॉपिक्स हियर कंसर्न्ड विद दिस चैप्टर, दे कंसर्न्ड विद द हेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ द हेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, हेक्टर एस्टैब्लिशमेंट. द हेक्टर, दिस इज द फैमिलियर टर्म फॉर यू पीपल. आप लोगों को ये हेक्टर नाम की टर्म जो है फैमिलियर है, जैसे कि फिजिक्स में भी हेक्टर रहता है, दैट इज वन ऑफ द क्वांटिटी दैट पजेस और हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. देन जूलॉजिकल एस्पेक्ट से भी आपको हेक्टर मालूम है. जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो प्लास्मोडियम को ट्रांसफर करती है वेयर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, दैट इज ऑल्सो द वेक्टर, दैट इज द जूलॉजिकल वेक्टर. वन फिजिक्स वेक्टर इज देयर. देन हियर इन बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेक्टर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड द मोस्ट फैमिलियर और द सिंपल टाइप ऑफ टिपिकल टाइप ऑफ द वेक्टर विच इज नैरेटेड इन यूर एनसाइटी फॉर अकॉर्डिंग टू यूर स्टैंडर्ड, दैट इज द प्लास्मिड, दैट इज द प्लास्मिड. मेनी अदर वेक्टर्स आर ऑल्सो देयर, आई लाइक द कॉस्मिट्स आर देयर, फजमिट्स आर देयर, देन द आर्टिफिशियल बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स आर देयर, देन द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स आर देयर, देन पीयू 18 इज देयर, पीयूसी 18, पीयूसी दैट इज प्लास्मिड. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने जो रिसर्च किए उस हिसाब से पीयूसी 18 इज देयर, देन पीयूसी 19 इज देयर. अगेन द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर दैट नैरेटेड इवन इन योर एनसीईआरटी, दैट इज द पीबीआर, पीबीआर 322, पीबीआर 322. सो योर स्टडी ये कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए के बाद, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट स्टडी है वो यहाँ पे आता है, पीबीआर 322, पीबीआर 322. लेकिन बिफोर ऑफ नोइंग द पीबीआर 332 यू मस्ट हैव टू नो वन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडर दिस चैप्टर, दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट. और दिस इज ऑल्सो नोन एज द जेल लोडिंग एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द जेल लोडिंग एक्सपेरिमेंट. दिस जेल लोडिंग एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज द सीयू इफेक्ट एनालिसिस, सीयू इफेक्ट एनालिसिस, सीयू इफेक्ट एनालिसिस. तो इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया है. तो इससे रिलेटेड आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अगरो जो है ये वीड है, वीड जो समुद्र से मिलता है, सी से मिलता है हमको, ये पॉलीसेकेराइड एगरोज ये सब्सटेंस है जिसे हम जेल बनाते हैं. सो हाउ द कंपोजिशन ऑफ जेल यू मस्ट हैव टू नो. देन उसको हम ट्रे में बना देते हैं, बना देने के बाद वहाँ कॉम्ब अरेंज करना, वहाँ पर वेल छोड़ना, वेल या स्लॉट बोलते हैं, पीट बोलते हैं उसको, जहाँ पे आपको ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद. और देखिए इसके पहले आपको ये जो रीजन है ये जानते समय वहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट एंजाइम्स हाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द दैट इज द बेसिकली वेन एवर दिस टाइप ऑफ द रिकॉमेंड डीएनए इज कंस्ट्रक्टेड, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिकुलर फॉर्मिंग, मॉलिकुलर फॉर्मिंग. जो मॉलिकुलर फॉर्मिंग का रिसर्च हुआ तो वो कैसे हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका पता लगाने के बाद हो गया. और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता कैसे लगा, ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो समझ जाने के बाद हुआ. इसका मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म समझने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने जो न्यूक्लियजस ग्रुप में डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो है, एंडो न्यूक्लियजस और एक्जो न्यूक्लियजस, तो एंडो न्यूक्लियजस है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है. और दैट एंजाइम, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस बिकॉज दिस हॉल इज नियर बाय ऑफ दिस रोड, तो कभी कभी बड़ा आवाज़ सुनाई देता है, तो इसके लिए हम सॉरी. तो देखिए इस यहाँ पे जो ये क्या बोल रहा था मैं, इसमें जो ये हाइब्रिड डीएनए का कंस्ट्रक्शन किया, हाइब्रिड डीएनए का, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से किया रिस्ट्रिक्शन. तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन बोले तो वहाँ पे
जो दो डिफरेंट यहाँ पे हेट्रोलोगस मॉलिकुलर स्टडी है, हेट्रोलोगस मॉलिकुलर स्टडी, तो आई एम ये सब डिटेल जो है तो बाद में देखेंगे चैप्टर इन डिटेल समझते समय। तो देखिए यहाँ पे एसयू इफेक्ट एनालिसिस है, तो इधर आपको ये पॉलीसेकेराइड के बारे में मालूम होना चाहिए, बाद में जो स्टेन है इथिडियम ब्रोमाइड, बाद में इल्यूशन प्रोसेस है, बाद में ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हाउ दैट रन फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड द एनोड्स, हाउ द फ्रैगमेंट्स स्मॉलर फ्रैगमेंट वेयर दे गो लार्जर फ्रैगमेंट्स एंड दैट टाइप ऑफ स्टोरी इज देयर। इसके बाद ये मालूम आपको होना चाहिए इसके पहले, इसके बाद में जो क्लोनिंग फैक्टर आया ये PBR322, तो इस जो ये जो हेक्टर है वो 8 रिस्ट्रिक्शन साइट दिखाता है आपको, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स, वहाँ एंजाइम के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम भी आए, उसके साथ साथ यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर्स है दो, एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, दूसरा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और इसी के साथ वहाँ पे ओराई रीजन भी है और रोप रीजन भी है। ये सब के बारे में आपको डिटेल मालूम होना चाहिए कि ये 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से कहाँ पे है, कौन से जीन पे है, ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है 2 है, एंड दिस सेलेक्टेबल मार्कर की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस सेलेक्टेबल मार्कर यू पीपल इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू परफॉर्म द सेलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, सेलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। अब देखिए लेबोरेटरी में जो कल्चर बनाता है उसमें बैक्टीरियल सेल्स रहते हैं, वो जो बैक्टीरियल सेल्स है जिस बैक्टीरियल सेल में आप लोगों ने क्या किया है, ये RDNA जो है, ये RDNA मीन्स द हाइब्रिड DNA, उसको उसका आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्लोनिंग करना चाहते हैं। तो अब उसी समय क्या हो रहा है, इधर जो ये कल्चर है, सपोज यही ये जो है आपका वेक्टर है, और वो वेक्टर पे ये 2 जीन है, और उसमें से एक जीन में आप क्या करना चाहते हैं, एक जीन को मैं इंसर्शन करना चाहते हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसा कि सेलेक्टेबल मार्कर बोल के। उसको सेलेक्टेबल मार्कर क्यों बताया, क्योंकि जो भी बैक्टीरियल सेल का कल्चर है उस कल्चर में ट्रांसफॉर्मर्स एज वेल एज नॉन ट्रांसफॉर्मर्स आर देयर, उसमें से तुमको एलिमिनेट करना है पहले किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मर्स को, बाद में ट्रांसफॉर्मर बचेंगे। उस ट्रांसफॉर्मर से दो टाइप के रहते हो, ट्रांसफॉर्मर्स विद द रिकॉम्बिनेंट एंड द ट्रांसफॉर्मर्स विदाउट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, बाद में उसमें से आपको सेलेक्ट करना है किसको, ट्रांसफॉर्मर विद द रिकॉम्बिनेंट, एंड दैट इज कॉल्ड द सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो इसकी एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ इसी पर यही पर आपको दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट रेफर्ड आउट एज ए एक्सगाल एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सगाल एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन, और दिस अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसको ऐसा क्यों बोलते, व्हाई दिस इज कॉल्ड सो, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए, इसका भी ये डिटेल मालूम होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो द वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस चैप्टर, एंड दिस थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीज आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद यही चैप्टर में जो अनदर एक टॉपिक है वो है PCR वाला, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और यू कैन से दिस इज द जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। तो ये जो जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है उसमें 3 स्टेप बताए दिए आपको, डीनेचुरेशन इज वन ऑफ द स्टेप इन दिस टेक्निक, देन द एनिलिंग इज देयर, देन द थर्ड वन दैट इज द एक्सटेंशन इज देयर। सो यू हैव टू परफॉर्म दिस 3 स्टेप एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ थर्मोसाइक्लर मशीन। सो दिस मशीन एक्सपेक्टेड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ द टेक्निक, एंड दैट आर द रिक्वायरमेंट। सो वेन एवर यू फुलफिल दिस टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, देन यू कैन पॉसिबल टू परफॉर्म द PCR। हियर द सिंगल फ्रैगमेंट हाउ एम्प्लीफाइड इन द बिलियंस, दैट टाइप ऑफ स्टोरी दे नैरेटेड हियर विद द हेल्प ऑफ डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड द एक्सटेंशन। सो डीनेचुरेशन यू शुड हैव टू परफॉर्म एट द नियर अबाउट 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर,
देन दिस एनिलिंग यू हैव टू परफॉर्म, देन कूल डाउन द मशीन विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, एंड हियर द टेम्परेचर रेंज इज एक्सपेक्टेड 50 degrees to 65 degrees सेल्सियस, एंड देन द एक्सटेंशन यू हैव टू परफॉर्म नियर अबाउट द 74 degrees Celsius टेम्परेचर. सो सच टाइप ऑफ स्टोरी नैरेटेड बाय देम फॉर दिस PCR टेक्निक एप्लीकेशन, PCR टेक्निक एप्लीकेशन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दोज कम्स अंडर दिस चैप्टर, दोज कम्स अंडर दिस चैप्टर. बाय नोइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, देन द अनदर स्टोरी इज रिलेटेड टू द कॉम्पिटेंट होस्ट, हाउ यू हैव टू जनरेट द कॉम्पिटेंट इन द होस्ट सेल, इन द होस्ट सेल फॉर द पर्पज ऑफ द टेकअप दैट सेल्स वुड हैव टू बी टेकअप फास्टली द RDNAs, and then the molecular forming remains successful. Molecular forming remains successful. Afterward of this, in the last section of this chapter, they try to tell us the things related to the upstream processes and then the downstream processes. Things related to the upstream processes and downstream process. So that things related to the scaling up mechanism. Scaling up mechanism. Scaling up means the scientific community, those trace out the different scientific investigations and they provided the protocol for us. So accordingly we perform the experiments and on small scale the little bit production taken by us in the laboratory. So that is the small scale production. And then the same thing whenever we perform on the large scale in the industries, so that is the large scale production. So the large scale productions means the industrial practices are there, small scale production means laboratory practices are there. So how that practices performed, so during this during the time of performing this type of the practices, the certain technological aspects you have to tackle before the production of the crude product. The crude product, what may be the practices you perform before of the production of the crude product, that referred our term as a upstream processes. So whom and why we say the upstream processes, you must have to know that. Then the crude product that is made suitable for the marketing, after the separation, then the purification, then the clinical trial and the quality control test. So these are the things related with the downstream processes. These are the things related to the downstream processes. So such type of story is there, and that story narrated by them with the help of the bio fermenters are also known as the bioreactors, or you can say the fermenters. So these are the big steel tanks, those made available in the industries, and in that big tanks we perform the bioprocess engineering. So the two types of the biofermenters they provided for us. So in what aspect they differ from each other, that type of things you must have to know. One is the stirred tank fermenter and another one is the sparged tank fermenter. So how they differ from each other, that type of story narrated by them for us. So this is little bit about the syllabus of this chapter. So the rest of things in detail will be seen later on. Thank you for all of you to listen me peacefully. Please, whenever you feel better this video, you try to like, then share it with your friends, and then comment in regard of this, and then subscribe my channel Bhai Wala M.E. Munde, and the other videos are also uploaded by myself. Thank you and best of luck for you people.